थार में चल रहे फाल्गुन के तराने और फाग महोत्सव की धूम अपने धीरे धीरे होली पर्व के नजदीक आने के साथ अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। धर्म से जुड़ा विषय होने के चलते इसका व्यापक असर सामाजिक संगठनों, प्रतिष्ठानों और मंदिरों में नजर आ रहा है। प्रतिदिन कई मंदिरों में महिलाओं द्वारा आकर्षक रूप से फागोत्सव का आयोजन कर राधा कृष्ण की भक्ति की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को राधे सत्संग महिला मंडल द्वारा फागोत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। फागुन का महीना आते ही फिजा में रंगों के साथ साथ फाल्गुन के तराने और फाग महोत्सव की धूम शुरू हो गई। बदलते मौसम के साथ फागुन के रसिया रंगों और फूलों से फाग महोत्सव की रंगत को और खुशनुमा कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्म से जुड़ा होने के चलते इसका व्यापक असर सामाजिक संगठनों, प्रतिष्ठानों और मंदिरों में नजर आता है। शनिवार को राधे सत्संग महिला मंडल की महिलाओं द्वारा फाग उत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण और राधा के भजनों और गानों के बीच जमकर फूलों से होली खेली गई। महिलाओं ने ढोल की थाप पर फाल्गुन के गीतों और भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महिलाएं मंत्रमुग्ध होकर अपूर्व भक्ति रस के सागर में गोते लगाती नजर आई। वहीं जयकारों से भक्ति में माहौल हो गया। महिलाओं द्वारा फूलों से होली खेली गई। भजन कीर्तन व फाग गीतों के बाद राधा कृष्ण संग फूलों से होली खेली गई। फाग महोत्सव के समापन पर आरती कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान रेखा, संतोष, आशा, रेखा, दीपिका, सुनीता, मनहोरी, विमला, सरोज, शांति, किरण, संगीता, कुमकुम सहित कई महिलाएं उपस्थित रही। वहीं फागोत्सव का यह चरम अब होली पर्व के साथ ही अपने अंतिम पड़ाव पर है। होली पर्व पर अंतिम दिन फागोत्सव का आयोजन होगा, उसके बाद फागोत्सव का समापन हो जाएगा।